तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारे कठिन परिश्रम ने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लोगों को यह मुकाम हासिल करने में वर्षों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे तुम्हें अपना पुत्र कहते हुए नाज है बेटा। सदैव याद रखना, भाग्य उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है और सदा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। जैसे लोहा आग में तपने से और अधिक मजबूत होता है, वैसे ही सफलता भी कड़ी मेहनत से ही मिलती है। माँ, पिताजी, यह सब आपके संस्कारों के बिना संभव नहीं हो पाता। और हाँ, मैं अपने दोनों भाइयों को कैसे भूल सकता हूँ। मेरी सफलता में इनका भी पूरा पूरा सहयोग है। माँ, जानती हो, मेरी सफलता का एक और मंत्र है जिसे मैंने पिताजी से सीखा है। बेटा, वह मैं जानती हूँ। तुम्हारे पिताजी कभी विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य नहीं खोते, वे कभी अपनी समझदारी नहीं खोते। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। पिताजी की तरह मैंने भी दूसरों के नजरिए से देखने का प्रयास किया और मेरा आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ता चला गया। पिताजी, सूरज भाई साहब में आपके संपूर्ण गुण हैं। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण हम सभी को प्रेरित करता है। तुम तीनों मेरे हीरे हो। तुम्हारे जैसे पुत्र पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। पिताजी, अगर बेटे बहुओं से फुर्सत मिले तो थोड़ी खबर अपनी बेटी की भी ले लिया करो। कितना याद करती हूँ मैं आप सभी को। क्या मैं आपका हीरा नहीं हूँ? रुदाली, तुम तो अंधेरे में जगमगाती रोशनी के समान हो। देखो तुम्हारे आते ही कैसे घर में रौनक छा गई। आओ, तुम्हारे भाई की सफलता पर तुम भी अपना मुंह मीठा करो। पिताजी, सिर्फ मिठाई? मेरे भाई को इतना बड़ा अवार्ड मिला है, कुछ पार्टी और सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। सेलिब्रेशन? हाँ, वो तो बनता है, पर उसकी प्लानिंग तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी बेटा। मैंने सभी दोस्तों को बुला लिया है। वे भैया की अचीवमेंट की खुशी में एक सरप्राइज परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो बुलाते हैं हम सभी को। कम ऑन डियर चिल्ड्रन।
अपनी बारी।